नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नवरात्र को लेकर मंदिरों की साफ सफाई में जुटे अंकित शुक्ला। मंदिरों पर संस्था के कैडेट ने किया सफाई, लोगों को सफाई रखने के लिए किया प्रेरित अध्यक्ष अंकित शुक्ला। राष्ट्रीय सैनिक छात्र सेवा परिषद के संस्थापक अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने जनपद के समस्त मंदिर, धार्मिक स्थलों व शिक्षण संस्थानों, स्कूलों व कॉलेजों के आसपास संचालित शराब और मांस की दुकानों को हटाया जाए। इसके साथ ही जनपद में संचालित अवैध बुचड़ खाना व खुले में जानवर काटने वाली मांस की दुकानों को अभियान चलाकर बंद कराया जाए। मंदिर परिसर के आसपास व बाहर बैठने वाले भिखारियों को चिन्हित किया जाए। ऐसा तो नहीं कि भिखारियों के भेष में अपराधियों, नशेबाजों अपना व्यवसाय चला रखा हो, जिन्हें चिन्हित कर दंडित किया जाए। आगामी 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है नवरात्रि के अवसर पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने कहा है कि नवरात्र के अवसर पर देवी मंदिरों में विशेष चहल पहल होती है, इसलिए मंदिर परिसर के आसपास सफाई के साथ सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाए। इसमें महिला पुलिस वालों को भी लगाया जाए। जनपद में कई पौराणिक मंदिर स्थापित हैं जिनमें बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जिसको देखते हुए संस्था अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने कहा है कि जनपद के सभी मंदिरों पर, धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था की जाए। जिससे लव जिहादियों व स्वार्थी तत्वों से श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जाए। श्रद्धालुओं को पानी पीने की व्यवस्था के साथ ही नवरात्र के अवसर पर रात्रि में बिजली कटौती ना करने की भी मांग की है। इस दौरान एनसीसी कैडेट राज सिंह, रोहित, मोहिनी, काजल, अलका, आरती, सोनू, सर्वेश पाल, मोहित शुक्ला, सनी भांगड़ा, राजेश, अमन सिंह, अमन यादव, अंकुश अश्वनी शुक्ला, अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।